अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ बैठ मार और एक बार फिर से चैनल में खुश आमदीद। आज का जो केस लेकर आया हूँ ये भेड़ बकरियों में वाइटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी यानी वाइट मसल डिजीज़ है। इस डिजीज़ को जांचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, जैसा कि इस पेशेंट को भी 2 से 3 डॉक्टर्स विजिट कर चुके थे। खैर, मैं डॉक्टर्स उनको नहीं कहूँगा, क्वैकर से नीम हकीम थे जिनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता और बस 5-6 इंजेक्शन के नाम याद करके 2-4 डिजीज़ के नाम याद कर लेते हैं और फील्ड का बेड़ा गर्क करते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग इन जैसे डॉक्टरों से बचें और जो मुस्तैद डॉक्टर्स हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिश किया करें कि उन डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपके जानवर को कम से कम और कुछ नहीं तो डायग्नोसिस अच्छी मिल सके। देखिए, जब तक डायग्नोसिस अच्छी नहीं होगी ट्रीटमेंट भी कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलता। अब इस बीमारी की अलामत को जानना बड़ा आसान काम है अगर आपके पास नॉलेज है। तो ये बेसिकली मसल्स की वीकनेस है और सबसे पहले ये टांगों पे इफेक्ट करती है, ख़ास तौर पे बिछली टांगें जो है ना वो स्टिफ हो जाती हैं, मतलब कि सख्ती शो करती हैं टांगें। चलने फिरने और उठने बैठने में जानवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुश्वारी महसूस करता है। खाना पीना, सारी बात है, जब जानवर बीमार है उसको एक प्रॉब्लम चल रही है तो खाना पीना भी इफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से बाकी ओवरऑल वीकनेस भी आ जाती है। आप इस में आप बकरे को देख सकते हैं, इसकी हड्डियाँ भी जो है ना वो दिखाई दे रही हैं प्रॉपर। और एक अलामत हो रहा है कि जब आप इसके मसल्स को टच करते हैं, जब हाथ लगाते हैं तो आपको इंतहाई सख्त किस्म के जो है महसूस होते हैं। अब इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें आपने कुछ भी इसको ट्रीटमेंट नहीं करना। मार्केट में वी सेल, सेल्फॉस और सेलिब्रेट के नाम से इंजेक्शन अवेलेबल हैं जिसमें वाइटामिन ई और सेलिनियम मौजूद है। करना बस आपने ये है कि 5 से 7 दिन का आपने इसके, या मैक्सिमम जो है ना आप इसको 10 दिन तक एक्सट्रीट कर सकते हैं। 10 दिन का कोर्स करेंगे एनिमल जो है वो रिकवर कर जाता है, जैसा कि इस केस में भी आप देख सकते हैं इस एनिमल की रिकवरी। सिर्फ 10 दिन का इसको कोर्स कराया था और ठीक 1 महीने बाद की ये वीडियो है। पहली वीडियो के साथ हम कंपेरिजन करें तो आपको फ़र्क महसूस होगा खुद से। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे और नए केस के साथ।